बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द लेक्चर फॉर क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल सॉल्व कम्प्रीहेंशन नंबर 1, वर्कबुक पेज नंबर 85 एंड 86। एंड इट्स योर कम्प्रीहेंशन दैट विल बी जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, बिकॉज इन एग्ज़ाम्स अनसीन कम्प्रीहेंशन विल बी गिवन टू यू। So the topic of the comprehension all together as a team. First of all, you will have to read out the questions. सबसे पहले आपने questions पढ़ लेने हैं 85 और 84, ताकि आपको idea हो जाए कि आपने किस किस्म के questions के answer ढूंढने हैं। So let's start. ये small comprehension है तो मैं आपको खुद करवाऊँगी solve, ठीक है। It was the first day of school. तो जब आप कम्प्रीहेंशन की ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, वर्कबुक खोल के बैठ जाना है, ठीक है, ताकि आपको मेरे साथ ही सॉल्व कर लें आप लोग। इट वाज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, अली एंटर्ड अ स्टेशनरी शॉप। अली कहाँ पे गया? स्टेशनरी शॉप है। कब? स्कूल के बाद। एंड बॉट सम रैपिंग पेपर एंड अ रोल स्कॉच टेप। तो उसने दो चीज़ें खरीदी, कौन कौन सी? रैपिंग पेपर और स्कॉच टेप। ही मेट हिज फ्रेंड कासिम, हमजा एंड अफन ऑन द वे। और रास्ते में वो अपने तीन दोस्तों से मिला जिनके नाम थे कासिम, हमजा एंड अफन। दे सेड कम ऑन अली, लेट्स प्ले अ बास्केटबॉल गेम इन द प्ले ग्राउंड। सब उसको ऑफर करते हैं कि चलो आओ हम ना बास्केटबॉल खेलते हैं। अली वॉन्टेड टू गो विद दैम, बट ही ऑल्सो थाट अबाउट द वर्क ही हैड टू बी एट होम। अली को दिल भी कर रहा था जाने का, लेकिन उसको याद आया कि मैं वो तो काम करना है, उसने क्या करना है, उसने रैपिंग करनी है। अब किस चीज़ की रैपिंग करनी है अभी हमें इसका नहीं पता, आगे आके पता चलेगा, ठीक है। एट लास्ट ही डिसाइडेड फ्रेंड्स, फिर वो क्या करता है, फैसला कर लेता है कि फ्रेंड्स, दोस्तों आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन यू इन द गेम बट आई हैव टू गो होम। वो कहता है मुझे तो, मेरा तो दिल कर रहा है आप लोगों को ज्वाइन करने का, लेकिन मैं क्या, मुझे घर पे जाना है और अपना काम, एंड कवर माय बुक्स एंड नोटबुक्स, और अपनी नोटबुक्स और बुक्स को कवर करना है। इट मीन्स डैट वो जो रैपिंग पेपर और रोल स्कॉच टेप है वो किसके लिए ली गई है, कवर करने के लिए, ठीक है। ही सैड ऑफन अंडरस्टूड अली सिचुएशन एंड ही न्यू हाउ मच अली लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। जो अफन होता है वो समझ आता है उसकी सिचुएशन को, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि अली को बहुत पसंद है बास्केटबॉल खेलना। ही टर्न टू हिज फ्रेंड एंड सैड, वो अपने दोस्तों की तरफ जाता है, क्या नाम है उन दोस्तों के, कासिम एंड हमजा, याद है ना आपको? हाँ जी। आई लाइक कवरिंग बुक्स टू मच, कहता मुझे तो बहुत शौक है बुक्स कवर करने का। इफ़ वी है ऑल हेल्प अली इन दिस वर्क वी कैन फिनिश इट वेरी क्विकली, कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। वी विल हैव इनफ टाइम फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल देन, और फिर हमारे पास बास्केटबॉल खेलने के भी काफ़ी टाइम बच जाएगा। कासिम एंड हमजा रिप्लाइड वेल वाई नाट, एंड दे डिसाइडेड टास्क देम सेल्फ, आपस में टास्क डिसाइड कर लेके मैं ये काम करूँगा तुमने ये करना है, ठीक है। सून दे फिनिश कवरिंग अलीस बुक्स एंड नोटबुक्स, और जल्दी वो सारे मिलके एज अ टीम वर्क, वो देखें नाम भी है ना टुगेदर एज अ टीम, इकट्ठे मिलके एक टीम बना के काम फिनिश कर लेते हैं। एंड अली सेड फ्रेंड्स आई थैंक यू ऑल इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कहते हैं मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ अगर तुम मेरी मदद ना करते, आई वुड बी एबल टू फिनिश दिस वर्क सो क्विकली नाउ, ऑल ऑफ अस डिज़र्व अ गुड ग्रेट बास्केटबॉल मैच। कहते हैं अब हम सबको डिज़र्व करते हैं कि हम अच्छे से बास्केटबॉल मैच खेलेंगे। ओके नाउ वी हैव द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द कम्प्रीहेंशन, कम्प्लीट द सेंटेंसेज गिविंग योर ओपिनियन अबाउट द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। इसमें डिस्क्राइब की हुई जो सिचुएशन उसको आपने लिखना है। वी शुड हेल्प ईच अदर इन वर्क, इट विल मेक आर वर्क ईजी। इफ़ वी वर्क एज अ टीम, अगर हम एक टीम की तरह काम करते हैं तो क्या होता है, काम इजी हो जाता है, द वर्क विल बी इजी, एंड वी हैव इनफ टाइम टू प्ले अदर सेशंस, और हम और तरह की चीज़ें भी वो खेल सकते हैं। सो वी शुड हेल्प ईच अदर इन वर्क, इट विल मेक आर वर्क इजी। नाउ वी हैव क्रिएटिव वर्क, राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट सेवरल गुड बिहेवियर डीड्स डैट यू डू एवरी डे। आपने जो आप अच्छे काम करते हैं या अच्छा बिहेव करते हैं तो उसके जो जो करते हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। ये मैंने लिखे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आई हेल्प माई मदर, आई ऑफर प्रेयर, आई डू स्टडी, आई रिसाइट द होली कुरान, आई ओबे माई फादर। समझ आ गई है? वर्कबुक पेज नंबर 85। नाउ वी हैव वर्कबुक पेज नंबर 86। डैट फर्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डिड अली फील व्हेन हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम इन फिनिशिंग हिज वर्क, जब अली का काम करने में मदद करने में उसके फ्रेंड्स एग्री हो जाते हैं, या तो वो क्या फील करता है, कैसा फील करता है? ही वॉज हैप्पी, जाहिर सी बात है जब हम भी किसी मुश्किल में होंगे हमारी कोई मदद करेगा हम खुश हो जाएंगे। ही, तो फिर हमने आंस क्या लिखना है? अगर क्वेश्चन आपका पास्ट में तो आपने आंस भी पास्ट में देना, ठीक है? ही वॉज हैप्पी या ही फेल्ट हैप्पी, FELT, felt, feel की सेकेंड फॉर्म felt, आप felt भी लिख सकते हैं, was भी लिख सकते हैं। He was happy या he felt happy when his friend helped him in finishing his work। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ आप वो लिखें, ठीक है? हाउ डिड हिज फ्रेंड फील वैन दे हेल्प्ड अली इन फिनिशिंग हिज वर्क, हिज फ्रेंड्स आल्सो वर वेरी हैप्पी। इसकी जगह आप फेल्ट वेरी हैप्पी भी लिख सकते हैं, हिज फ्रेंड्स आल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है? उसके बाद है तीसरा, वाई डिड एफन डिसाइडेड टू हेल्प अली, ये क्वेश्चन आपके खुद से बनाने वाले थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे देखें लिखा हुआ, जो मैंने लाइन लगाई हुई ऑलरेडी, एफन अंडरस्टूड अली सिचुएशन एंड ही न्यू हाउ मच अली लाइक्ड प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है? इसको आप अपने अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बिकॉज ही न्यू डैट हाउ मच अली लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, क्योंकि अफन को तो पता था, वो उसका दोस्त था, कि कितना पसंद करता है बास्केटबॉल, इसलिए वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद है वाई डू यू थिंक वन फील व्हेन ही हेल्प्स अदर, जब दूसरों को फील मदद करता है तो कैसा फील होता है? ही फील्स हैप्पी बिकॉज हेल्प अदर इज़ अ गुड डीड, वो खुशी महसूस करते हैं क्योंकि दूसरों की मदद करना एक अच्छा काम है, एक अच्छा फेल है, एक अच्छा अमल है, ठीक है? उसके बाद है नाउ कैन यू कंप्लीट नंबर सीक्वेंस, हाँ जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये 4 और 9 है। अब आपको कैसे पता है कि यहाँ पे 9 आएगा? तो इसका एक फार्मूला भी होता है कि 9 जो सेकंड डिजिट होता है उसमें से आपने फर्स्ट को, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है 9 में से 4 को माइनस कर देना, तो फिर क्या आएगा 5, ठीक है? 9 में से आपने 4 को माइनस किया तो बाकी क्या बचा 5, तो इसका मतलब है इन्होंने 5 ऐड किए हैं, 4 प्लस 9, ठीक है? 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24। इस तरह से कर लेते हैं कि पहले दो डिजिट्स होते हैं ना उनको अगर बढ़ रहे हों तो उनको माइनस करके देख लेते हैं, और अगर कम हो रहे हों तो उनको प्लस करके देख लेते हैं, नहीं उनको भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है? अगर इधर से करेंगे तो उसको इसी तरह इसको इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें माइनस सेवन हुए हैं तो 83 आ गया, ठीक है? इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये मैथ्स का सीक्वेंस होता है, ये बड़ा मज़ा आता है करने का, ये गेम ही होती है, ठीक है? 1983 आपने 19 में से 83 जब माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि 7 डिजिट्स डिडक्ट करते जाना है, तो फिर 19 को -7 83, फिर -7 76, फिर -7 69, फिर 62 55 48 41 34, ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका कंप्रीहेंशन, यू शुड हैव टू सॉल्व इट एंड आल्सो प्रैक्टिस वर्कबुक पेज नंबर 85 एंड 86, दैट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस, अगर आप खुद सॉल्व करना चाहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपने कंप्रीहेंशन को 2-3 टाइम ज़रूर पढ़ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।